गुड आफ्टरनून क्लास 9, आई एम योर हिस्ट्री टीचर. टुडे इज वेनसडे एंड द डेट इज 16/9/2020. टुडे वी स्टार्ट अ चैप्टर फॉर एक्सप्लेनेशन. क्या इस चैप्टर नेम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म. पॉइंट नंबर वन, व्हाट वाज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. एज अ रिजल्ट ऑफ द साइंटिफिक इन्वेंशन द 18th सेंचुरी saw a major change in the mode of production. From that time onward, human labor came to be replaced more and more by machines producing good in huge quantity. Thus, industrial revolution may be defined as the transformation in the mode of production and transportation. The general subsequences of power-driven machineries of human labor. The term industrial revolution was first used by French writer Blanquet as early as 1837 and later by Karl Marx and Friedrich Engels, Arnold Toynbee in 1880 to 1881, first discussed in detail about the industrial revolution in England. सबसे रिजल्ट के माने तो साइंटिफिक के हिसाब से बहुत ज़्यादा 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा मोड ऑफ चेंजेस हुआ था. सबसे पहला चेंजेस स्टार्टिंग का क्या था, ह्यूमन लेबर हुआ था, जो कि ह्यूमन लेबर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस हो रहे थे. किसके रिप्लेस पे, मशीन के रिप्लेस में. मशीन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था, ह्यूमन लेबर कम हो रहे थे. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा डिफाइन कर रहा था मशीन को, उसका काम को, उसका प्रोडक्शन को. तो ग्रेट जनरल सब्सिक्वेंस यहाँ पर पावर ड्राइवन जो थे, पावर उनका क्या हो गया था, मशीन हो गया था ह्यूमन लेबर को छोड़ करके. तो यहाँ पर टर्म इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले कौन यूज़ किया था, पहला फ्रेंच राइटर थे ब्लैंक्यू, जो कि 1837 में यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाए थे, सबसे पहले सेटअप किए थे. और उनके बाद में कार्ल मार्क्स, फ्राइडविच एंजल, अर्नोल्ड टॉयनबी, ये सब उनके बाद में डिस्कस किए थे इस चीज़ को, कि इंग्लैंड में ये चीज़ अबाउट बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस हुआ था. नाउ व्हेन डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टेक प्लेस, कब ये टेक प्लेस हुआ था. देर इज नो अग्रीड ओपिनियन एज रिगार्डेड द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. टॉयनबी फॉर एग्जाम्पल टुक द स्टार्टिंग पॉइंट एज 1760 व्हेन देयर वाज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड. Professor Neff, as an American historian, on the other hand, is not in favor of fixing any time or particular years of the Industrial Revolution. Neff regarded the phenomena the result of a continuous process since long time back. Philip Dene has pointed out that the current convention is to date the first industrial revolution from 1780. The first industrial revolution, Philip Dene. तो कब ये टेक प्लेस हुआ था, ये यहाँ पर क्या है, देर इज़ नो अग्रीड ओपिनियन. यहाँ पर कोई अग्रीड टाइम नहीं है, कोई ऐसा ओपिनियन नहीं है जो कि फिक्सली बता सकता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब शुरू हुआ था. टॉयनबी एक एग्जांपल के तौर पर ले लिए कि 1760 में एक मान लो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ, तो प्रोफेसर नेफ जो कि अमेरिकन हिस्टोरियन थे, वो अगले हाथ में इन फेवर ऑफ फिक्सिंग, वो इसके फेवर में नहीं थे कि एनी टाइम को हम फिक्स कर सकते हैं कि कब शुरू हुआ था नहीं शुरू हुआ, वो इसके फेवर में नहीं थे. नेफ रिगार्डेड द फेनोमेना, वो इसका रिगार्डेड बता रहे थे कि इसका सेट होने से इसका रिजल्ट क्या होगा और हम लोग को क्या इसका लॉन्ग सिंस टाइम बैक मिलता रहेगा. फिलिप जेने हैज़ अपॉइंटेड, फिलिप जेने को पॉइंट किया गया था करंट कन्वेंशन की वजह से, कि करंट में जो बातचीत चल रहा था उसको लेकर के उनको कन्वेंस किया, उनको बुलाया गया था, पॉइंट किया गया था आकर कि वो इस चीज़ को पहले फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को सेटअप करे और इस चीज़ को समझे. तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे क्लास 9, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.